बेटा अपन आज चैप्टर 15 पढ़ेंगे नौकर। नौकर जिसे हम छोटे छोटे काम करवाते हैं, कई लोगों के घरों में नौकर होते हैं, वो घर का सारा काम उस नौकर पे डाल देते हैं। क्यों लगता है कि अगर हम खुद ही काम करेंगे तो हम बहुत छोटे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपने महात्मा गांधी का तो नाम सुना ही होगा, उन्हीं के ऊपर ये चैप्टर बना हुआ है कि वो अपने सारे छोटे छोटे काम करते हैं। जब कोई अनजान व्यक्ति उनको देखता था तो वो उनको नौकर समझता था, लेकिन ये गांधी जी बोलते थे कि अगर हम स्वयं अपना कार्य करेंगे, और दूसरों को भी उनका कार्य करने को प्रेरित करते थे कि तुम्हें भी स्वयं अपना कार्य करना चाहिए। तब फटाफट चैप्टर 15 निकालो, आपको बुक खोलिए सब लोग, ठीक है। देखिए आश्रम में गांधी कई ऐसे काम करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते थे। जिस जमाने में बैरिस्टर से बैरिस्टर मतलब वकालत वकील थे ना, वो लोग हजारों रुपए कमाते थे। उस समय में प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की से आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटा लेते। कस्तूरबा कौन थी? महात्मा गांधी की पत्नी। इस प्रकार से रोटी बनाने के लिए महीने या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में गांधी ने पिसाई के नाम काम जारी रखा। वे चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए। यानी कि गांधी जी जो भी घर का छोटा मोटा काम था वो स्वयं ही करते थे। गेहूं पीसने से पहले उसे नौकर साफ करने पर जोर देते थे, धोकर साफ करने पर गेहूं, क्योंकि अगर आप गेहूं को सीधा ऐसे पीस देंगे तो उसमें जो भी मिट्टी होगी, जो भी गंदगी होगी, वो भी आटे में मिल जाएगी, वो हमारे पेट में जाएगी। तो गांधी जी का कहना था कि पहले इसको धोकर साफ करना चाहिए। कॉपीधारी इस महान व्यक्ति को और अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी जी को शर्म नहीं लगती थी। एक और उनके पास कॉलेज के कई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व था। गांधी जी से बातचीत के अंत में बोले, बापू यदि मैं आपकी सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात तान ली थी कि तो बहुत घमंड कर रहे अपनी पढ़ाई पे, ठीक है ना। तो गांधी जी ने क्या बोला, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। थाली में गेहूं साफ करते ना बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा अपनी मम्मी भी गेहूं साफ करती होगी जब, हाँ। तो वो तो पढ़े लिखे बच्चे थे, उन्होंने कहा अगर हमारे लिए कुछ काम हो तो बताना, तो उन्होंने कहा इस थाली के गेहूं साफ कर दीजिए। अगर तो बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन आपको चारा नहीं था। एक घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वे थक गए और गांधी जी से विदा मांगकर चल दिए। कुछ वर्षों तक गांधी जी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद दी। सवेरे प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। देखो बच्चों, गांधी जी कितने बड़े व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी वो घर के छोटे छोटे काम करते थे। रसोई के या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते तो अपने साथियों को आड़े हाथ लेते थे। मतलब उनको गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी, उनको पूरा साफ सुथरा चाहिए था। उन्हें सब्जी फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी जी ने उसे समझाया, आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार आश्रमवासी कुछ ऐसे केले दिए जिनके छिलकों पर काले चट्टे पड़ गए, काले स्पॉट्स होते ना, दाग होते हैं, उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उसे समझाया कि जल्दी पच जाते हैं, जितना काला स्पॉट होगा वो उतना ही जल्दी पच जाएगा कि तुम्हारा आजमा कमजोर है। गांधी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं भोजन परोसते थे, इस कारण ये बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ भी नहीं कह पाते थे, क्योंकि गांधी जी शारीरिक अपना स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखते थे, इसलिए वो ज्यादा मसाला पसंद नहीं करते, उबली हुई खाना ही पसंद करते थे। दिन में दो बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। आश्रम का नियम था सब लोग अपने अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांध कर भोजन, रसोई के बर्तन जैसे जिसमें सब्जी बनाई वो बहुना हो गया, ठीक है ना। तो ये सब जो रसोई के बर्तन होते हैं वो बारी बारी से करते थे, और जो अपने खुद के छूटे बर्तन थे वो सबको खुद ही साफ करने पड़ते थे। एक दिन गांधी जी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पैंदी में खूब काली जल गई, काली मतलब वो जल गया था। वो रात भरे हाथों से वह पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने लगे, और तभी कस्तूरबा वहां आ गई, यानी कि उनकी पत्नी आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया, बोली ये काम आपका नहीं है। इसे करने में बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा उनकी बात मान लेने में बुद्धिमानी है, और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंप कर चले आए। बर्तन एकदम चमकते न हो
मतलब क्या पानी भरने का काम कौन करते थे? गांधी जी करते थे। अब एक दिन बीमार हो गए तो वहां आश्रम में रहने वाले लोगों ने सोचा कि हम भर दे, तो उन्होंने क्या बहुत सारा पानी भर दिया, रसद कटोरी में सब में भर दिया। तो गांधी जी को ये बुरा लगा, बीमार होने के बाद भी पानी लेकर आए। शरीर में जब तक बिल्कुल लाचारी रहा, गांधी जी को बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने का उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। आए समझ में? वो कहते मैं जब भी जब बिल्कुल बीमार होकर बेड पे आ जाऊंगा, जब चाहे मैं काम करूं, लेकिन जब तक मेरे अंदर हिम्मत है मैं अपने काम से कर दूंगा। उनमें हर प्रकार का काम करने की क्षमता थी, वे थकान का नाम नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लाद कर एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे लॉर्ड टॉल्स्टॉय वाड़ी में रहते थे, तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके सुधार से खुशी खुशी अनुग्रह करते थे। मतलब उनका मानना था कि हम जितना पैदल चलेंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। तो बच्चों वो मीलों तक पैदल चलते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था, भराई का मतलब तालाब बना हुआ था, फिर उसको भी वापस भरने के लिए उसे मिट्टी वगैरह भरी जा रही थी, जिसमें गांधी जी के साथी आगे हुए। एक सुबह काम खत्म करते हुए लोग फावड़े कुदाल और टोकरियों के लिए जब वापस लौटे तो देखते गांधी जी उनके लिए तश्तरियों में नाश्ता, तश्तरिया मतलब प्लेट्स, ठीक है, में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखे। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए सब कष्ट क्यों किया, क्या यह उचित है, हम आपसे सेवा कराए। गांधी जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग एक थके मंदे लौटोगे, तुम्हारा नाश्ता तैयार करके मैं मेरे खाली समय था। तो मतलब देखो गांधी जी को लगा कि उनके जो साथी है वो मेहनत करके आएंगे तो उनको आते ही नाश्ता मिलेगा, क्योंकि वो थके हुए हैं, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी जी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया, ठीक है, छात्रों के अवसर के लिए स्वयं भी शाकाहारी भोजन करने के निश्चय किया। तीसरे पहर 2 बजे दुबला पतला चनारा आदमी आदमी से शामिल हो गया और तस्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है, वह दुबला पतला आदमी कौन था, स्वयं गांधी जी थे, ठीक है। अब बच्चे तो जानते नहीं थे, उनको इनवाइट तो कर लिया पर वो खुद आके उनकी हेल्प करने लगे, तो जो उनको जानता था उसने आके देखा तो देखता ही रह गया कि ये तो गांधी जी है। गांधी जी दूसरों के काम में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों के काम करवाना ना पसंद थे। गांधी जी खुद का काम भी स्वयं करते थे, वो यह भी चाहते थे कि सामने वाला भी स्वयं कार्य करे, उन्हें कामचोर व्यक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन में गांधी जी अपने बेड़े पे लौटे तो रात हो गई थी, सोने से पहले वे कमरे का फर्श बुहार रहे थे, झाड़ू लगा रहे थे ना। उस समय रात के 10 बजे थे, कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली, मतलब झाड़ू ले ली। जब कभी गांव का दौरा कर रहे होते उस समय रात के दिन इतने समय लाल रंग का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में पत्र लिखते थे। चंद्रमा की रोशनी में पत्र लिखना पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए कभी किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। नोआखाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को ही रहने की अनुमति दी। इन दोनों को यह नहीं मालूम था कि खाकरा कैसे बनाया जाता है, खाकरा होता है ना गुजराती डिश। इस पर गांधी जी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोई की तरह उन्होंने खाकरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी, 78 ईयर ओल्ड थे उस टाइम, जबकि सोचो उनमें कितनी हिम्मत थी। गांधी को बच्चों से बहुत प्यार था, अपने बच्चे के जन्म के 2 माह तक उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार उनकी देखभाल अनिवार्य है। वे माँ की तरह बच्चों को देखभाल करते थे, खिला पिलाकर बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल में छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत दुबली और कमजोर हो गई, उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था, वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाया रहता था। गांधी जी जिस दिन लौटे उसी रात उन्होंने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथ में ले लिया। सारे दिन मेहनत करके सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी जी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे और बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर से उठाकर अपने बिस्तर पर लेटा लेते थे और चारपाई के पास एक बर्तन पानी भरकर रख लेते थे ताकि जब भी बच्चे को भूख लगे
वो उसे पानी पिला सके। यदि बच्चे को प्यास लगे और भूख लगे तो मैं उसे पिला दे, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, बच्चा कभी नहीं रोता और उनकी चारपाई पर रात भर आराम से सोता एक पखवाड़े तक। ठीक है, माँ के अलग सुलाने के बाद बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया, मतलब 7 दिन तक बच्चे को माँ से अलग कर दिया गांधी जी ने, तो बच्चे ने क्या किया, दूध पीना छोड़ दिया। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे, उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर स्त्री की, स्त्री मतलब प्रेस की, वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे, उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे लेकिन गांधी जी नहीं मानते थे। महात्मा गांधी के आने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका में भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए, वहां उन्होंने गंदे पाखाने यानी कि वॉशरूम साफ किए। उन्होंने एक बड़े नेता कांग्रेस से पूछा, मैं आपको क्या सेवा कर सकता हूँ? नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए जिनका जवाब देना है, मेरे पास कोई कारकुन नहीं है जिसे मैं काम दूं, क्या तुम्हें काम करने को तैयार हो? गांधी ने कहा, जरूर मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरे सामर्थ्य से बाहर यानी कि जो मैं कर सकता हूँ वो काम मैं जरूर करूंगा। ये काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला। उसके बाद उन्होंने नेता की कमीज के बटन लगाने और उनके अन्य सेवा का काम भी खुशी खुशी किया। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती तो गांधी जी किसी हरिजन को रखते थे। बच्चों हरिजन को कहते थे, हम अपने घर में नहीं घुसाते, उनको टच नहीं करते, लेकिन वो जाति पाति को नहीं मानते थे। तो उन्होंने हरिजन को रखने का आग्रह करते हुए कहना था, नौकर तो हमें वेतन भोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए, नौकर को हमें मजदूर नहीं मानना चाहिए, नहीं हमने पैसा दे रहे तो हम उनसे काम कराएंगे, नहीं अपने भाई के समान मानना चाहिए। इससे कुछ कठिनाई हो सकती है, कुछ चोरियां हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश निष्फल नहीं जाएगी। उन्हें यह मालूम ही था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखे। एक बार भारत की जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल का काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल दूता काटता, दूसरा बकरियों को दूता, तीसरा निजी नौकर की तरह काम करता, चौथे उनके पखाने की सफाई करता। पखाना समझ गए ना, वॉशरूम। एक ब्राह्मण कहते उनके बर्तन धोता और सबको 2 गोरे यूरोपियन प्रति उनके चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा, इंग्लैंड के ऊंचे घरानों में घरेलू नौकर को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर में पिता रहते थे, उन्हें देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकर का उनका परिचय नौकर की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चले गए तो उस घर के नौकरों ने उन्हें विदा लिया और कहा, मैं कभी किसी को आपका नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही मानता हूँ, आप लोगों को भी मैं अपना भाई और बहन समझता हूँ, आपने मेरे लिए जो सेवा की उसका प्रतिदान देने में सामर्थ्य मुझमें नहीं है लेकिन ईश्वर उसका पूरा फल देंगे। तो बच्चों चैप्टर में क्या बताया गया कि हमें अपने कार्य स्वयं करने चाहिए और कभी भी नौकर को मजदूर नहीं मानना चाहिए बल्कि अपना भाई बहन मानना चाहिए। ठीक है, अच्छा लगा चैप्टर।